हेलो कुसुम, मेरा नाम विक्रम है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बैठने के लिए नहीं कहेंगी? बड़ी तंगदिल हैं आप, कितनी कंजूसी से अपनी खूबसूरत आवाज का इस्तेमाल करती हैं। कुछ कही ना। आप कहिए, मैं सुन रही हूं। आपने गाने के लिए ट्रेनिंग ली है या शौकिया गाती है? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से शौक वो दर्द पैदा नहीं कर सकता जो आपकी आवाज में है। आप पर उस दर्द का कुछ असर हुआ? जी हाँ, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मेरी आवाज की तारीफ करने? तारीफ करने भी और एक रिक्वेस्ट करने भी। कुसुम जी, मैं एक और प्रोग्राम स्टेज करने वाला हूँ और कल रात की शो की कामयाबी देखकर मैं चाहता हूँ कि उस प्रोग्राम में आप ही मेरे साथ गाएं। बस यही कहने आए हैं आप? जी हाँ। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपके साथ गाऊंगी? पता नहीं, कुछ दिमाग ने सोचा, फिर दिल ने उम्मीद दिलाई और मैं यहाँ चलाया। हाँ, ये शो भी मैं टिकटों पे कर रहा हूँ, तो मैं आपको पैसे देना चाहता हूँ। ये रहा 5,000 रुपए का चेक। आप पैसे देकर मुझसे गवाएंगे? मैं आपके लिए नहीं गाऊंगी, आप जा सकते हैं। आप तो खामखा, मेरा मतलब आपको नाराज करने का नहीं था कुसुम जी। आप आराम से सोच लीजिए, मुझे आपके जवाब की कोई जल्दी नहीं है। मैं शाम को फिर आ जाऊंगा, तब मुझे बता दीजिएगा। तू रात भर उसकी आवाज सुनता रहा, फिर सुबह सुबह उसके घर भी पहुंच गया, उसे अपने साथ गाने के लिए पैसे भी ऑफर किए तूने। आखिर ऐसी क्या बात है उसकी आवाज में? ये कुसुम की आवाज नहीं, सुनीता की आवाज है। सुनीता की? हाँ गोगी, मैं सुनीता की आवाज का एक एक सुर जानता हूं। वही दर्द, वही मिठास, वही खिंचाव। मैं कुसुम के साथ नहीं, सुनीता की आवाज के साथ शो करना चाहता हूं गोगी। भाई, दरवाजा खुला है। जी, मेरा नाम विक्रम है, मुझे कुसुम से मिलना है। चंदू आया सरकार। कुसुम से कहो कि विक्रम साहब उनसे मिलने आए हैं। आओ बैठो। मुझे डॉक्टर मेहरा कहते हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सर। झूठ बोलते हो जी। पुलिस वालों, वकीलों और डॉक्टरों से मिलकर खुशी नहीं होती लेकिन तुम्हें स्टेज पर गाते देखकर मुझे सचमुच खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच सर। तुम्हारा अगला प्रोग्राम कब है? जी उसी सिलसिले में मैं कुसुम से मिलने आया हूँ। तुम आज सुबह भी मिलने आए थे ना? जी। और उसने इनकार कर दिया? लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब वो इनकार नहीं करेंगे। अगर वो फिर इनकार कर दे तो? वैसे उसकी आवाज में ऐसी कौन सी बात है कि तुम उसी को प्रोग्राम में लेना चाहते हो? दरअसल बात यह है सर, कुसुम की आवाज बहुत जानी पर। टीवी जी घर पे नहीं है। कोई बात नहीं सर, मैं फिर बाद में कभी आऊंगा।
ये सब क्या हो रहा है कुसुम? इस तरह घुट घुट के जीने में तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम उसके लिए बेचैन हो तो बाहर आकर मिले क्यों नहीं उससे? नहीं कुसुम, तुमने सिर्फ अपना नाम बदला है, अपनी सोच नहीं बदली। तुम अपना पास्ट नहीं भुला पाए कुसुम, तुम में अभी भी सुनीता जिंदा है। नहीं पापा, मैं कुसुम हूँ, कुसुम हूँ। कुसुम हो तो फिर कुसुम का विक्रम से क्या ताल्लुक है? कुसुम क्यों रोती है विक्रम के लिए? क्यों पर्दे के पीछे छिप छिप के उसे देखती है? क्यों? क्यों? मॉर्निंग कुसुम जी, लगता है बहुत जल्दी में कहीं तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं। मुझे आपके ड्राइविंग पर भरोसा नहीं रहा विक्रम सर। साइड में जाओ रानी गाड़ी में, नहीं तो हमारी साइकिल पर बैठ जाओ। क्यों बस साले लड़की को तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं विक्रम साहब। चलो चलिए। कहिए कहाँ छोड़ना होगा? क्या आप रात भर सिर्फ इसीलिए मेरे घर के बाहर रुके रहे कि सुबह मुझे लिफ्ट दे सके? जी नहीं, मैं तो सिर्फ आपका जवाब जानना चाहता हूँ। मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं गाएंगी आप मेरे साथ? वजह आप नहीं समझेंगे। कहके तो देखिए, आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों मेरी जिंदगी में आना चाहते हैं आप? जी मैम, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ गाएं। आपका तो लाखों का कारोबार है, इतना बड़ा बिजनेस है, अब आपको इस तरह गाने की क्या जरूरत है? पहले भी मुझसे किसी ने यही कहा था। इनको समझे, मैं ये शो गाकर इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने अब वो ठीक है, तुम जा सकते हैं। वैसे एक बात समझ में नहीं आई डॉक्टर साहब, सामने से एक ट्रक आ रहा था, उसे देखकर अचानक चीखी और बेहोश हो गई। हालांकि हादसा होने वाली कोई बात भी नहीं थी। कुसुम के साथ पहले भी एक ऐसा हादसा हो चुका है। आपका मतलब कार एक्सीडेंट? हाँ, और उस हादसे ने कुसुम की सारी जिंदगी बदल दी। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे भूल जाए, लेकिन भूलना इतना आसान होता तो फिर हादसे होते क्यों? खा फिर जिंदगी तो खुद एक बहुत बड़ा हादसा है डॉक्टर साहब। वक्त के साथ जब इंसान मौत को भूल सकता है तो एक दिन ये भी सब कुछ भूल जाएंगे। चलता हूं जी। साहब, बीबी जी की तबीयत खराब है, वो आपसे नहीं मिल सकती। मॉर्निंग। मुझे मालूम है मुझे आपके बेडरूम में इस तरह नहीं आना चाहिए। अगर आप कहें तो मैं वापस चले जाता हूं। मैं तो आपकी तबीयत पूछने आया हूं, कैसी हैं आप? आप मुझसे नाराज लगती हैं। शायद सोच रही हैं कि मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा गाने के लिए। जी नहीं, मैं तो बस यूं समझिए एक दोस्त के नाते आया हूं। आपने ये पर्दा क्यों बंद किया हुआ है?
सी दैट्स बेटर। आप तो कुछ जरूर से ज्यादा ही सीरियस है। देखिए मैं जानता हूं मुझे आपकी जाती जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं, लेकिन ये खामोशी या अकेलापन ये तो जिंदगी से बेवफाई है, अपने आप से दुश्मनी। लोग अंधेरे में बैठेंगे तो सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आएगा, तन्हाई में आपकी अपनी आवाज आपको पराई लगने लगेगी। इससे दूर भागिए, रोशनी में, रंगीनी में, दुनिया बहुत बड़ी है, आगे देखिए, लुक फॉरवर्ड इन लाइफ। जो बीत गया जो गुजर चुका उसे उसे सब भूल जाइए आप। अच्छा ये आपके माथे पे निशान कैसा है? निशान इत्तेफाक की बात है, जैसा एक्सीडेंट आपकी जिंदगी में हुआ था वैसा ही मेरी जिंदगी में हुआ था, निशान उसी एक्सीडेंट का है। लेकिन देखिए ना मुझे, मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। आपके लिए भूल जाना इतना आसान होगा विक्रम साहब, लेकिन मेरे लिए नहीं। उस एक्सीडेंट में आपके साथ आपके दो दोस्त भी थे जो बुरी तरह जख्मी हुए थे, आप खुद बेहोश रहकर मौत से लड़ रहे थे और आप कहते हैं आप वो भूल गए। जी मैं नफरत करती हूँ आप जैसे लोगों से जो अपने बीते हुए दिन भूल जाते हैं। मैं आपके साथ कभी नहीं गाऊंगी, कभी नहीं गाऊंगी, चले जाइए आप यहाँ से। आप बहुत ही जज्बाती लड़की हैं कुसुम जी, और अगर मेरे जज्बात में कुछ सच्चाई है तो ये वादा रहा आप मेरे साथ जरूर गएंगे।